हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासिटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन इलेक्ट्रिकल जेई स्पेशल बुक है ये। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कुछ शॉर्ट पेपर्स और प्रैक्टिस बुक मिलेंगे जो पूर्व DMRC के एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ नोएडा मेट्रो जयपुर मेट्रो में ये क्वेश्चन पूछे गए थे उसका विश्लेषण सहित हल आपको मिलेगा। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ अमेजोन ई बुक का, गूगल प्ले ई बुक का और YCT ई बुक का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसे कोई हार्ड कॉपी चाहते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट और इंस्टामोजो का लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हमारी वेबसाइट www.ycitybooks.com पर विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, मिल जाएगी। और अति जानकारी हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ अन्य सारी बुक की जानकारी भी मिल जाएगी। तो ये है आपका DMRC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि न्यू एग्ज़ाम की अपडेट्स और न्यू बुक्स की अपडेट्स और कई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की अपडेट्स आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ऑल पे करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल का सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में बता दे रहा हूँ। उसके बाद सॉल्ट पेपर्स के कितने नंबर सब सॉल्ट पेपर्स हैं वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सिलेबस में आपके इलेक्ट्रिकल में डिटेल सिलेबस रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट ला, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सिंक्रोनस मशीन, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके सिलेबस हो गए। उसके अलावा मैं नंबर आप सेट से दिखा देता हूँ, कितने प्रैक्टिस सेट आपको अनसॉल्व में मिलेगा। तो सबसे पहले सिलेबस मैंने बता दिया, सिलेबस यहाँ पर दिया गया, सिलेबस मैंने बता दिया है। उसके बाद 10 अप्रैल को पेपर हुए थे DMRC का, क्योंकि DMRC के तीन दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपके 120 क्वेश्चन का होता है और सेकेंड पेपर आपके 60 क्वेश्चन का होता है। सेकेंड पेपर में केवल जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। तो 10 अप्रैल को आपका सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर का, और 9 अप्रैल को दो सेट पेपर हुए थे तो उसके आपके फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों के सॉल्व पेपर्स मिल जाएगा, 4 सेट ये हो गया। उसके अलावा 18 फरवरी 2017 को पेपर हुआ था, उसके आपको टेक्निकल और नॉन टेक दोनों आपके जनरल इंग्लिश और एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड के आपको सॉल्ट पेपर्स मिल जाएगा। उसके अलावा 20 मार्च 2016 को जो पेपर हुआ था उसके आपके इलेक्ट्रिकल के सॉल्ट पेपर्स और जनरल इंग्लिश के सॉल्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ये 15 मार्च 2015 को हुआ था टेक्निकल, और आपके जनरल इंग्लिश के दो सॉल्ट पेपर्स ये मिलेंगे। इसके अलावा 3 अगस्त 2014 को पेपर हुआ था जनरल इंग्लिश और टेक्निकल का, वो आपको सॉल्ट पेपर्स मिलेगा। नोएडा मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के 2019 का सॉल्ट पेपर मिल जाएगा, और जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रिकल का पेपर आपको मिल जाएगा। तो 23 दिसंबर 2012 को हुआ था। तो इतने नंबर आपसे आपके टेक्निकल सॉल्ट पेपर्स मिलेंगे, जिसमें टेक और नॉन टेक दोनों रहेगा। उसके अलावा 5 सेट हमने दे दिया, 5 टेक्निकल और 5 नॉन टेक्निकल सेट इसमें आपको साथ में मिल जाएगा। व्याख्या सहित हल भी पूरी चीज़ें इसमें मिलेंगी, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। लैंग्वेज जो रहेगी बुक की वो बाय लैंग्वेज में रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज सर्किट ब्रेकर इन इंडिया फॉर रूरल आउटडोर एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम 22 kV टू 66 kV। इंग्लिश क्वेश्चन हो गया, अगर हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी होगी। इसके निम्नलिखित में कौन सा परिपथ विजोयक जो भारत से समानता 42 किलो से लेकर 66 किलोवाट ग्रामीण आउटडोर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस रहेंगे आपके एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। हिंदी रहेगी इसकी, वायु विस्फोट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्यों सही होगा उसका डिटेल्स में दिखाते रहो। निर्वात सर्किट के ब्रेकर का उपयोग भारत में आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। दूरी ज़्यादा होने के कारण संस्थापन में बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में 42 किलो वाट से लेकर 66 किलो वोल्ट
तक प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई मरम्मत खर्च नहीं होती है। आयोग ने विकल्प ए को सही माना है, लेकिन बी सही होगा। उसकी डिटेल यहाँ पे दे दी गई है क्यों बी सही होगा। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इन द केस ऑफ द एन अल्टरनेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस, द एक्टिव पावर कैन बी वेरीड बाई। अनंत बस से जुड़े एक अल्टरनेटर के एक्टिव पावर को किसके द्वारा बदला जा सकता है? चेंज इन द फील्ड एक्सटेंशन, चेंज इन द पावर फैक्टर, चेंज इन बोथ प्राइम मूवर स्पीड एंड फील्ड एक्सटेंशन। चेंजिंग द प्राइम मूवर स्पीड, तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा, चेंजिंग द प्राइम मूवर स्पीड, मतलब कि मुख्य चालक की गति को बदलकर। अनंत बंध से जुड़े यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है, अनंत बंध से जुड़े प्रत्यावर्तक के एक्टिव पावर को परिवर्तित करने के लिए प्राइम मूवर की गति को बदलना पड़ता है, क्योंकि एक्टिव पावर प्राइम मूवर की गति पर निर्भर करती है, जबकि रिएक्टिव पावर प्रत्यावर्तक की उत्तेजना को बदल देती है। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ फिगर दिखाया गया है, फार्मूले दिखाए गए हैं, कॉलम्स दिखाए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी हर क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन होता है उसके, जैसे यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन होता, मैथ का दिया गया, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो जितने नंबर आप सेट, मैंने शुरू में बताया कितने नंबर आप सेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी जनरल एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का फर्स्ट पेपर होगा और जनरल इंग्लिश का सेकंड पेपर होगा, जो 60 क्वेश्चन का होता है, 45 मिनट टाइम उसमें इंग्लिश में आपको दिया जाता है, बाकी आपके 1.5 घंटे टाइम है उसमें आपको दिया जाता है टेक्निकल में, जो आपको टेक्निकल 120 नंबर के आते हैं, उसमें 45 टेक्निकल, 75 नॉन टेक्निकल, 75 टेक्निकल और 45 नॉन टेक्निकल का पेपर होता है। तो ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पब्लिकेशन के अन्य बुक्स भी अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक के लास्ट कवर पेज में भी दिखाया गया है, वहाँ से भी आप इस बुक की जानकारी ले लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू गाइस।